हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है सभी का, मोस्ट वेलकम है आप सभी इंडिया के लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म द अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स में। मैं हूं आपका एजुकेटर नीरज पांडे, आप सभी का स्वागत करता हूं, मोस्ट वेलकम है इस एमपी जीके के सेशन में, जो कि हमारा डेली 11 बजे से रहता है ये सेशन। और इसके पहले के सभी सेशन जितने भी हो चुके हैं आप सभी इसी YouTube के चैनल के प्लेलिस्ट में प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश में साहित्य कला और संस्कृति की ये जो क्लास होती है, ये डेली 11 बजे से जैसा हमने डिस्कस किया, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण जनजाति, ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश का टॉपिक चल रहा है। और मध्य प्रदेश की सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण जनजाति के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और वो है बैगा जनजाति। एक मध्य प्रदेश की तीन जनजातियों को, बैगा, सहारिया और भारिया को स्पेशल प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप में रखा गया है, यानी कि देश की अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में से एक, और वो है आपका मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली बैगा, सहारिया और भारिया, तीन जनजातियां जो मैंने आपको डिस्कस की। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विस्तार से बैगा जनजाति के बारे में। बैगा जनजाति की अवस्थिति देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, बैगा जनजाति प्रमुख रूप से कहां पर पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, बैगा जनजाति की पॉपुलेशन कितनी है, इसके साथ साथ टोटल पॉपुलेशन में उसका कितना परसेंटेज है, साथ ही साथ इनकी सामाजिक स्थिति, इनके समाज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, विवाह की जो पद्धतियां प्रमुख रूप से पाई जाती हैं इनके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की भील जनजाति और गोंड जनजाति के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसा मैंने कहा कि पहले के सेशन आप लोग देख सकते हैं, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं इसी क्रम में। लेकिन उसके पहले दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि हमारी ये 11 बजे से आप डेली क्लास ये वाली ज्वाइन कर सकते हैं, इसके साथ साथ कंप्लीट जीके का प्रैक्टिस सेशन शाम को 5 बजे से आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, 5 PM से ये सेशन रहता है, और कंप्लीट जीके का, यानी कि आज भी रहेगा, इसी यूट्यूब के चैनल पर ही ये सेशन रहता है। और इसके साथ साथ आपको बता दूं, ये लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स का जिस नाम से यूट्यूब का चैनल है, उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये टेलीग्राम चैनल पर सभी प्रकार की क्लासेस की लिंक आपको प्राप्त हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लासेस के सभी प्रकार के लिंक प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, इसके साथ साथ अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर फ्री क्लासेस और साथ ही साथ प्लस क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस क्लासेस आपको सब्सक्रिप्शन के माध्यम से प्राप्त होती है, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से मध्य प्रदेश में होने वाले लगभग सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो प्री हो, मेन्स हो, आंसर राइटिंग हो, पीडीएफ नोट्स, करंट अफेयर्स की मैगजीन, सब कुछ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लाइव ज्वाइन करें या रिकॉर्डेड ज्वाइन करें, आपको अलग अलग सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप देख सकते हैं लगभग कंप्लीट बैच, हर दिन एक नया बैच आपकी चॉइसेस के हिसाब से शुरू होता है, आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी चॉइस है कि किस बैच को आपको ज्वाइन करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक बैच को ही ज्वाइन करना होगा, आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जो सब्सक्रिप्शन एमबीबीएससी व्यापक कैटेगरी का कॉमन सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन के जो प्राइजेज है आप देख सकते हैं, 6 months, 12 months और 24 months के सब्सक्रिप्शन है अवेलेबल है। और जो रेफरल कोड है जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा, इस रेफरल कोड का प्रयोग करेंगे, EANDEY, ये रेफरल कोड है जिससे आपको डिस्काउंट प्राप्त होगा, ध्यान रखना है, इस रेफरल कोड का प्रयोग जरूर करें। साथ ही साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, जहां आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है, जहां पर आप 1-to-1 मेंटरशिप प्राप्त कर सकते हैं, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से एक बेहतर दिशा में अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा मैंने कहा, इसके पहले आपको कनेक्ट कर देता हूं, हमने पिछली क्लासेस में जो ट्राइब्स की दो क्लासेस हमारी हुई हैं, भील जनजाति और गोंड जनजाति के बारे में हमने डिस्कस किया है। वहां पर हमने डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है 7,26,26,809, यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश की, टोटल पॉपुलेशन
जो मध्य प्रदेश की है वह है 7.26 करोड़, यानी कि 7,26,26,008। सुनो, इसमें जो ट्राइब्स का परसेंटेज है, यानी कि जो ट्राइब्स का परसेंटेज ट्राइबल पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का पहला स्थान है देश में जो सबसे ज्यादा जनजाति आबादी में, और जो मध्य प्रदेश जो टोटल ट्राइब पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में पाई जाती है वो 1.53 करोड़ है, यानी कि 7,26,00,000 में से 7,26,26,800 जो पॉपुलेशन है उसमें से 1.53 करोड़ जो है ट्राइबल पॉपुलेशन है। इस ट्राइबल पॉपुलेशन का यानी कि टोटल परसेंटेज यदि देखें तो 21.1% आता है। इसमें मध्य प्रदेश में जो तीन सबसे बड़ी जनजातियां हैं उसमें मैंने आपको बताया था भील, गोंड और कोल, तीन बड़ी जनजातियां हैं, और एक महत्वपूर्ण जनजाति जो है वो है बैगा जनजाति। बैगा, सहारिया और भारिया, मैंने आपको बताया तीन प्रमुख जनजातियां बैगा, सहारिया और भारिया, ये जो तीन जनजातियां हैं इनको भारत सरकार के द्वारा स्पेशल प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के रूप में रखा गया है, यानी कि भारत सरकार की अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के बारे के रूप में इन्हें जो है जाना जाता है, कि तीन जनजातियों को मध्य प्रदेश की। अब आते हैं इसमें सबसे पहले इनकी देखें बैगा जनजाति की जो टोटल पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में वो 4.15 लाख। इनकी यदि हम भील जनजाति के बारे में डिस्कस किया था कि भील जनजाति की जो टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग कितनी है 46 लाख, मध्य प्रदेश में भील जनजाति की पॉपुलेशन है। इसी प्रकार 43 लाख के आसपास जो है आपके गोंड जनजाति की पॉपुलेशन है। यदि बैगा जनजाति के देखें तो बैगा जनजाति की काफी पॉपुलेशन नहीं पाई जाती है, जो यदि टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन में देखें मध्य प्रदेश के तो उसमें 4.15 लाख, यानी कि लगभग 4 लाख पॉपुलेशन जो है वो बैगा जनजाति के हमें हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जो कि पूरे ट्राइबल पॉपुलेशन का 2.71% आता है, यानी कि ऑफ द टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की कुल जनजाति आबादी का कितना 2.71%। इसके साथ साथ यदि हम देखें इस बैगा शब्द का शाब्दिक अर्थ देखें, ये कई बार एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, बैगा जनजाति का यदि शाब्दिक अर्थ देखें तो इसमें वैद या पुरोहित, इसको इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वैद या पुरोहित, यानी कि द वर्ड मीनिंग ऑफ बैगा इज प्रीस्ट, यानी कि पुरोहित या जैसे हमने डिस्कस किया वैद, इसका जो वर्ड मीनिंग है, और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज पांडा, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इसीलिए इन्हें पांडा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन रहा। अब इसके बाद देखते हैं इनकी जो है अवस्थिति मध्य प्रदेश में कहां पर है, यानी कि मध्य प्रदेश के किस भाग में प्रमुख रूप से बैगा जनजाति निवास करती है, इनकी लोकेशन क्या है। हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया था भील जनजाति के बारे में, और भील जनजाति के बारे में हमने डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, यानी कि ये जो पोर्शन है यहाँ पर झाबुआ अलीराजपुर धार का जो बेल्ट है यहाँ पर भील जनजाति पाई जाती है, और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था ये जो क्षेत्र है यहाँ पर प्रमुख रूप से गोंड जनजाति पाई जाती है, और यहीं पर जो क्षेत्र है गोंड जनजाति का यहीं पर जो है बैगा जनजाति का भी निवास है। यदि आप देखें तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग ये जो पोर्शन है, इवन दक्षिणी पूर्वी भी आप इसे कह सकते हैं, और कौन से जिले, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी आदि, ये जो है यानी कि ये जो पोर्शन है ये प्रमुख रूप से यहाँ पर आपका ये बैगा जनजाति का निवास स्थान है। ये बैगा जनजाति यानी कि इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से बैगा जनजाति पाई जाती है। ये जो है भील जनजाति का निवास स्थान है यहाँ पर प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, और साथ ही साथ यहाँ पर गोंड जनजाति का भी निवास है, यही क्षेत्र है, लगभग सेम क्षेत्र है, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में इसी पर्टिकुलर क्षेत्र में गोंड जनजाति भी पाई जाती है। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और इसके साथ साथ यदि हम बात करें, ये तो रही अवस्थिति की बात, लोकेशन की बात, मैपिंग आप लोग भी कीजिएगा क्योंकि मैपिंग के माध्यम से बहुत सारी चीजें जो हैं क्लियर होती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यदि हम बात करें इनके सब ट्राइब यानी कि उप जनजातियां, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उप जनजातियों की यदि बात करें बैगा जनजाति की जो उप जनजातियां हैं वो, इनमें उप जनजातियां यदि देखें तो काट मैना, नरोतिया, भरोतिया, रय मैना, कोंडवा, गुंडवा प्लस इसके अलावा नाहर, विझावर, ये प्रमुख रूप से जो है आपके क्या है सब ट्राइब है, उप जनजातियां। इसमें से ये जो है
तीन चार जो है ये काफी प्रश्न कई बार प्रश्न पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, तो याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न जो है मध्य प्रदेश में जितनी भी जनजातियां हैं उनकी कुछ उप जनजातियां हैं उसी पर्टिकुलर यानी कि एक ग्रुप कह सकते हैं आप, उसके सब पार्ट कह सकते हैं, उपवर्ग कह सकते हैं, उप जनजातियों के रूप में, और इनके हर जनजाति के कुछ ना कुछ उप जनजातियां हैं, और इस प्रकार के प्रश्न कई बार एमपीपीएससी में और व्यापम के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहेंगे, यानी काठ मैना, नरोतिया, भरोतिया, रेमैना, कोंडवा, कुंडी गोंडवा, नाहर, बिछावर, ये प्रमुख रूप से इसके क्या है, सब ट्राइब है। इसके बाद यदि बात करें तो इनके समाज के बारे में भी हम बात करें, यानी कि सोसाइटी के बारे में यदि हम बात करें बैगा जनजाति की सोसाइटी के बारे में बात करें, तो बैगा जनजाति की सोसाइटी जो है यहां पर एक पंचायत सिस्टम प्रिविलेंट है, यानी कि पंचायत प्रणाली पाई जाती है। बैगा समाज में एक पंचायत प्रणाली पाई जाती है, और पंचायत का मतलब पांच लोगों से मिलकर के एक ऐसी मींस एक कह सकते हैं कि एक सामान्य बॉडी बनी होती है, और छोटी मोटी चीजों को जो समाज में जो प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं इसी पंचायत के द्वारा लिए जाते हैं। कंसिस्ट ऑफ, जिसमें से पांच पंच होते हैं, पंचायत में पांच लोग होंगे तो कितने पांच पंच उन्हें कहा जाता है। पांच पंच कौन कौन से होते हैं, मुकद्दम, दीवान, समरथ, कोटवार और द्वारी, ये जो है पांच पंचों से मिलकर के बनी होती है इनकी पंचायत। बैगा समाज की जो पंचायत होती है, बैगा समाज की पंचायत में पांच पंच होते हैं, कौन कौन से लिखा हुआ है, मुकद्दम, दीवान, समरथ, कोटवार और इसके अलावा द्वारी। तो ये पांच पंचों से मिलकर के बैगा समाज की पंचायत होती है, और इनका जो प्रमुख होता है, इस पंचायत का जो प्रमुख होता है उसे मुकद्दम कहा जाता है, और यही हेड ऑफ द विलेज होता है, यानी कि बैगा समाज का, बैगा समाज का जो प्रमुख होता है उसे क्या कहा जाता है, मुकद्दम कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, हेड ऑफ द विलेज यानी कि गांव का जो प्रमुख होता है उसे क्या कहा जाता है, मुकद्दम कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको यहां पर बताऊंगा, ने एक पुस्तक लिखी है द बैगास नाम से, बैगा जनजाति के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, और उस पुस्तक को लिखने वाले कौन थे, डॉक्टर वेवियल एल्विन। तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर ध्यान रखना है, डॉक्टर वेवियल एल्विन ने अपनी बुक द बैगाज में बैगाओं को अत्यंत हसमुख और विशिष्ट समूह के रूप में वर्णित किया है। तो ये बुक का नाम भी याद रखिएगा, द बैगाज नाम की पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर वेवियल एल्विन के द्वारा द बैगाज नाम की पुस्तक लिखी गई है। डॉक्टर बैगा एल्विन के द्वारा किस जनजाति के ऊपर पुस्तक लिखी गई है, तो वो भी बैगा जनजाति के ऊपर, पुस्तक का नाम क्या है, द बैगाज। डॉक्टर बैगा एल्विन ने किस जनजाति को सबसे अत्यंत हसमुख और विशिष्ट समूह के रूप में वर्णित किया है, तो विशिष्ट समूह के रूप में, स्पेशल ग्रुप के रूप में और अत्यंत हसमुख के रूप में किसको वर्णित किया है, वह है आपका बैगा जनजाति। तो ये याद रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन अल्टीमेटली एक ही तत्व को लेकर के कई अलग अलग रूप में जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें तो यानी कि इस पंचायत का कार्य क्या होता है, इस पंचायत का कार्य होता है जो छोटे मोटे झगड़े वगैरह होते हैं आपस में ही, सोसाइटी में ही, समाज में ही, उसको निपटाने का ये कार्य करते हैं। आपसी झगड़े और जनजाति जुर्म पंच द्वारा सुने जाते हैं, यानी कि पंचायत द्वारा सुने जाते हैं। पंचायत में पांच पंच होते हैं, मैंने आपको डिस्कस किया। इसके अलावा बैगा समाज जो होता है उसमें गांव को क्या कहा जाता है, पूर्वा कहा जाता है। गांव की सुरक्षा करने वाले को पटवार कहा जाता है, और पुरोहित को क्या कहा जाता है, बेवाल कहा जाता है। गांव को क्या कहा जाता है, बैगा समाज में गांव को क्या कहा जाता है, बैगा समाज में गांव को पूर्वा कहा जाता है। बैगा समाज में जो पंचायत होती है उस पंचायत का प्रमुख क्या होता है, मुकद्दम होता है। इसके अलावा गांव की जो सुरक्षा करते हैं पंचायत में, एक जो पंच होता है वो पटवार होता है। तो ये पटवार का कार्य क्या होता है, गांव की सुरक्षा से संबंधित होता है। तो ये गांव यानी कि गांव की सुरक्षा करने वाले को क्या कहा जाता है, गांव की सुरक्षा करने वाले को कोटवार कहा जाता है। इसी प्रकार की बात करें तो पुरोहित को क्या कहा जाता है, हालांकि बैगा समाज, बैगा का मतलब ही होता है पुरोहित वैद, तो यहां पर जो है पुरोहित को क्या कहा जाता है, बेवाल कहा जाता है। और इस जनजाति, पिछली जो दो जनजातियों को हमने डिस्कस किया था, भील जनजाति और साथ ही साथ गुण जनजाति, उसमें भी हमने यही देखा था कि पुरुष प्रधान समाज होता है, पितृसत्तात्मक पैट्रियार्कल सोसाइटी पाई जाती है। तो इस जनजाति में भी पितृसत्तात्मक समाज तथा संयुक्त परिवार की ज्वाइंट फैमिली सिस्टम,
संयुक्त परिवार की प्रथा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पाई जाती है। ध्यान रखना है आप सभी को, इस जनजाति में भी पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। दे लाइक टू बी कॉल्ड एज धरती पुत्र और विझावर। ध्यान रखना है, विझावर एक हमने उप जनजाति के रूप में भी डिस्कस किया है, ये अपने आप को धरती पुत्र कहते हैं। वैगा जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको, वीआईपी कर लीजिए इसको। कौन सी जनजाति अपने आप को धरती पुत्र कहती है? वो है वैगा जनजाति। और ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है मैं आपको डिस्कस करूंगा यहाँ पर अभी इनकी खेती के बारे में, तो ये भी आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है। लेकिन उससे पहले एक तक यहाँ पर देखिएगा, इस जनजाति का जो विकसित रूप होता है, इस जनजाति का जो विकसित रूप होता है उसे क्या कहा जाता है, वो बिझावर कहलाता है। बिझावर हालांकि एक उप जनजाति के रूप में भी जाना जाता है, तो बिझावर याद रखिएगा। और संसार की ये व्यापम में कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये भी वीआईएमपी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। संसार की सबसे अधिक गुदना प्रिय जनजाति टैटू लविंग ट्राइब कौन सी मानी जाती है? तो संसार की सबसे अधिक गुदना प्रिय टैटू लविंग ट्राइब मानी जाती है बैगा जनजाति। याद रखना है, संसार की सबसे अधिक गुदना प्रिय टैटू लविंग ट्राइब कौन सी मानी जाती है? वह है आपकी बैगा जनजाति। ठीक है, याद रखना है इसमें। और इसके बाद यदि हम बात कर लें तो विवाह के तरीकों में आती है, तो सबसे पहले जानना है आपको कि इंडोगैमी इज नॉट प्रिवेलेंट, यानी किसका मतलब क्या हुआ। इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, किसके बारे में, हम लोगों ने भील जनजाति के बारे में भी डिस्कस किया, हम लोगों ने गोंड जनजाति के बारे में भी डिस्कस किया, और हमने क्या ये डिस्कस किया था कि सगोत्री विवाह नहीं होता, यानी कि गोत्र सिस्टम में, गोत्र प्रणाली में विश्वास है और एक ही गोत्र में विवाह वर्जित है। हमने गोंड जनजाति के बारे में भी पढ़ा कि टोटम में बधे होते हैं, सामान्य गोत्र में विवाह नहीं होता है। इसके पहले हम लोगों ने भील जनजाति में भी डिस्कस किया कि गोत्र प्रणाली में विश्वास करते हैं, एक ही गोत्र में सगोत्री विवाह वर्जित है। यहां पर भी सगोत्री विवाह इंडोगैमी इज प्रोहिबिटेड, यानी कि एक ही इज नॉट प्रिवेलेंट, यानी कि प्रोहिबिटेड है सगोत्री विवाह, एक ही गोत्र में सगोत्री विवाह वर्जित है। सगोत्री विवाह क्या है, वर्जित है। ध्यान रखना है, इस जनजाति में भी सगोत्री विवाह वर्जित है, बाल विवाह नहीं होता है, चाइल्ड मैरिज सिस्टम प्रिविलेंट नहीं है। इसके अलावा बहुत अच्छी बात है ये बाल विवाह न होना, और ये जनजातियों की एक विशेषता भी है, विधवा पुनर्विवाह होता है, ये भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा वैगा जनजाति में विवाह के छह प्रकार बताए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वीआईएमपी है, ध्यान रखिएगा, ये भी वीआईएमपी है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और वैगा जनजाति में विवाह के छह स्वरूप, छह प्रकार प्रचलित हैं। छह प्रकार कौन कौन से हैं, यदि आप देखें तो वैगा जनजाति में जो छह प्रकार हैं उनमें से एक को कहा जाता है मगनी या चढ़ विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मगनी या चढ़ विवाह कहा जाता है। इसके साथ साथ जो है दूसरा जो है उठावा विवाह कहा जाता है, तीसरा जो है आपका वो चोर विवाह कहा जाता है, चौथा है आपका पैदुल विवाह कहा जाता है, इसके अलावा पांचवा है आपका लमसेना विवाह कहा जाता है, और छठवां है आपका कौन सा, छठवां है आपका उधार विवाह। तो वैगा जनजाति में विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? वैगा जनजाति में विवाह के छह प्रकार बताए गए हैं। विवाह के छह प्रकार कौन कौन से बताए गए हैं? विवाह के छह प्रकार बताए गए हैं आपका मगनी विवाह, उठावा विवाह, चोर विवाह, पैदुल विवाह, धमसेना विवाह और साथ ही साथ उधार विवाह। तो ये विवाह के छह प्रकार प्रचलित हैं किस जनजाति में? वैगा जनजाति में विवाह के छह प्रकार प्रचलित हैं, याद रखिएगा आप सभी। इसके साथ साथ नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था पर आते हैं, इनकी इकोनॉमी पर आते हैं, इनकी इकोनॉमी पर आते हैं तो एग्रीकल्चर, ध्यान रखना है आप सभी को, एग्रीकल्चर जो है इनका, यानी कि जो कृषि है, ये कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय है। इसके अलावा हंटिंग का कार्य भी करते हैं, मछली पकड़ने का भी कार्य करते हैं, तो ये इसी पर बेस्ड इनकी अर्थव्यवस्था है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जंगल में ये क्या करते हैं, जंगल में वस्तुओं को एकत्रित करके, यानी कि वनोत्पाद जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वनोत्पाद,
ये भी आपको ध्यान रखना है, ये वनोत्पाद को एकत्रित करके, जंगल में वस्तुओं को एकत्रित करके बाजार में बेच देते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया था एक महत्वपूर्ण तथ्य कि बैगा जनजाति अपने आप को धरती पुत्र कहती है। तो ये धरती पुत्र क्यों कहती है, मैंने आपको आगे एंड किया था कि मैंने आपको आगे बताऊंगा मैं आपको, ये बैगा जनजाति धरती को अपनी माता मानते हैं और इसलिए वे धरती पर हल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसलिए मैंने आपको बताया है कि ये अपने आप को क्या कहते हैं, धरती पुत्र कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसको क्या कहते हैं, धरती पुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, धरती पुत्र कहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, बैगा जनजाति के जो लोग हैं ये धरती को अपनी माता समझते हैं, माता मानते हैं, धरती पुत्र कहते हैं, इसलिए उस पर हल नहीं चलाते हैं। हल चलाना इस जनजाति में वर्जित माना जाता है, यानी कि प्रोहिबिटेड माना जाता है। They do sifting cultivation, ये जंगल को जला करके कल्टिवेशन खेती करते हैं, और जंगल को जला करके जो झूम खेती की जाती है sifting cultivation, उसको इस जनजाति में बेवारिया पोंडू कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि बेवारिया पोंडू कहा जाता है, इसीलिए सरकार ने इनके लिए एक बैगाचाक नाम की, भारत सरकार ने बैगाचाक नाम की एक भूमि अलग से ही इस प्रकार की खेती करने के लिए दे दी है, अलॉट कर दी है। तो ये आपका क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, बेवार या सिफ्टिंग कल्टीवेशन जो प्रचलित है वो बेवार या पोंडू कहा जाता है। भील जनजाति में हमने डिस्कस किया था कि भील जनजाति में क्या कहा जाता है, उसे चिमाता कहा जाता है। अलग अलग प्रकार की जनजातियों में जो है सिफ्टिंग कल्टीवेशन के प्ररूप पाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा धर्म की बात करिए, हम रिलीजन पर आते हैं, बैगा जनजाति के विश्वास मान्यताओं पर आते हैं। तो इसमें बूढ़ा देव, ध्यान रखना है, तब तक बूढ़ा देव मुख्य देवता माने जाते हैं, जो मेन डाइटी माने जाते हैं बैगा जनजाति में, बैगा जनजाति के जो मुख्य देवता माने जाते हैं, बैगा जनजाति के मुख्य देवता बूढ़ा देव को माना जाता है। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है, ठाकुर देवता इनके ग्राम देव माने जाते हैं और भीमसेन इनके वर्षा देवता माने जाते हैं। बूढ़ा देव को मुख्य देवता माना जाता है, बूढ़ा देव को मुख्य देवता माना जाता है, ठाकुर देव को ग्राम देवता माना जाता है, इसके अलावा भीमसेन को वर्षा देवता माना जाता है। इसके अलावा अन्य देवताओं, धरती माता, ऑब्वियसली धरती माता धरती पुत्र कहते हैं, धरती को अपनी माता समझते हैं, खैर माता, बूढ़ी माता, प्लस इसके अलावा दूधा देव और नारायण देव इस पर्टिकुलर जनजाति के प्रमुख देवता हैं। ये मैंने आपको बता दिया, समाज में जमीन पर हल चलाना धरती पुत्र अपने आप को कहते हैं, जमीन पर हल चलाना जो है वर्जित है, महिलाओं द्वारा हल को स्पर्श करना भी प्रतिबंधित है, महिलाओं द्वारा हल को स्पर्श करना भी इस जनजाति में प्रतिबंधित माना जाता है। इसके अलावा ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, VIMP, ये जो है साल वृक्ष की पूजा करते हैं, इस जनजाति के जो लोग हैं ये साल वृक्ष की पूजा करते हैं, और उनके विश्वास के अनुसार जो उनके पूर्वज थे, पूर्वज का बूढ़ा देव, यहां पर देखिए आप मुख्य देवता, ये जो है मुख्य देवता, इनको ऐसा मानते हैं कि साल वृक्ष के नीचे इनके जो पूर्वज हैं, पूर्वज कौन, मुख्य देवता बूढ़ा देव, यहाँ पर निवास करते हैं। तो यानी कि इनकी मान्यता ऐसा है कि इस पर्टिकुलर पेड़ पर, इसीलिए जो है साल वृक्ष की ये पूजा करते हैं, इनकी मान्यता के अनुसार ये साल वृक्ष की पूजा, क्योंकि इनके जो पूर्वज ऐसा मानते हैं कि इनके पूर्वज जो है बूढ़ा देव इसी पर्टिकुलर वृक्ष के वृक्ष में निवास करते हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करें इनके त्योहारों की बात करें, तो ये ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, चार प्रकार के कौन से त्योहार हैं, इसमें सबसे पहला एक है बिदरी त्योहार, बिदरी और घायला, मैंने आपको बताया था कल, हालांकि बिदरी मैंने गोंड में भी बताया था, एक ही संस्कृति कुछ देखने को मिलती है, एक ही तरह के हैं, किसानी संस्कृति से संबंधित हैं दोनों के दोनों, बिदरी और घायला। तो जो घायला है वो गोंड जनजाति से संबंधित है, घायला त्योहार जो है ये किससे संबंधित है, गोंड जनजाति से, गोंड जनजाति से संबंधित है, और जो बिदरी है वो बैगा जनजाति से संबंधित है, बिदरी बैगा जनजाति से संबंधित है। याद करने में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा घायला जी से लिखेंगे, GHYALA, और ये जी से गोंड भी शुरू होगा तो घायला गोंड जनजाति का है, बी से बिदरी यदि बी से ही शुरू होगा, और इसके अलावा बैगा
बी से ही शुरू होगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा कनेक्शन आपका। बिदरी बैका जनजाति का त्योहार है और इसके अलावा घायला गोंड जनजाति के प्रमुख रूप से त्योहार है। लगभग दोनों में एक ही विश्व प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो जो बिदरी त्योहार है फसलों की शुभकामनाएं के लिए, फसलों की शुभकामनाओं के लिए जो सेलिब्रेट किया जाने वाला त्योहार है, जो मनाया जाने वाला त्योहार है, उसे बिदरी त्योहार कहा जाता है। इसी प्रकार हरेली त्योहार भी प्रचलित है बैगा जनजाति में, और हरेली त्योहार अच्छी फसलों के लिए इसको ये पर्टिकुलर त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा पोला त्योहार जो है, ये पोला त्योहार किसके लिए, गाय बैलों की पूजा की जाती है। पोला त्योहार में क्या किया जाता है, पोला त्योहार में गाय बैलों की पूजा की जाती है, तो ये भी याद रखिएगा। और साथ ही साथ नारा त्योहार, नारा त्योहार क्या है, फसल पकाने पर, ये क्या है, फसल पकने पर ये त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपका बिदरी त्योहार, हरेली त्योहार और पोला त्योहार, ये महत्वपूर्ण त्योहार है जो इस जनजाति में प्रचलित है। इसके अलावा नृत्य पर आते हैं, तो नृत्य आपका यहाँ पर प्रमुख रूप से जो करमा नृत्य है गोंड जनजाति में भी प्रचलित है और साथ ही साथ बैगा जनजाति में भी प्रचलित है। जो बैगा जनजाति में जो करमा नृत्य प्रचलित है उसको बैगानी कर्मा कह दिया जाता है, तो ये आपका बैगानी कर्मा। इसके अलावा सैला बिलमा, बिलमा परधोनी फाग गेंदी सुआ ददरिया, ये अलग अलग जो नृत्य के रूप हैं इस जनजाति में प्रचलित हैं। अलग अलग नृत्य के रूप इस जनजाति में प्रचलित हैं, याद रखिएगा ये क्या है, नृत्य शैलियां हैं जो बैगा जनजाति में प्रमुख रूप से प्रचलित हैं। अलग अलग नृत्य शैलियां बैगा जनजाति में प्रचलित है। इसी प्रकार यदि आगे हम बात करें यहां से ये बैगा जनजाति के संबंध में आपका कंप्लीट होता है, और बैगा जनजाति के बारे में तीन जनजातियां हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी, कौन कौन सी, भील जनजाति, गोंड जनजाति और बैगा जनजाति। एक एक जनजाति हम डेली रूप में इसको कवर अप करेंगे। साथ ही साथ अब चलते हैं कुछ एमसीक्यूज पर, और एमसीक्यूज को भी डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। 40 से 50 क्वेश्चन है, डेली की तरह हम लोग जैसा प्रैक्टिस करते हैं साथ लास्ट में, तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं और आप लोग आंसर देते चलिएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन है निवाड़ी जिले का जिला किस संभाग के तहत आता है। निवाड़ी जिला आपको बताना है किस संभाग के तहत आता है, झांसी सागर टीकमगढ़ या ग्वालियर, इसमें से आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, चलिए बिल्कुल सही है। देखिए ये तो आपको पता ही है कि झांसी मध्य प्रदेश में ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं उठता है इसका। दूसरा ये सागर, सागर जो है टीकमगढ़ एक्चुअल में सागर संभाग में ही आता था, आता भी है, और सागर संभाग टीकमगढ़ से ही अलग होकर के निवाड़ी बनाया गया। तो ये सागर संभाग यदि बात करें तो संभाग जो है वो सागर संभाग के तहत मध्य प्रदेश का 52वां जिला है निवाड़ी, ये आप सभी को पता है, 52nd डिस्ट्रिक्ट है। 1 अक्टूबर 2018 को ये निवाड़ी जिला टीकमगढ़ से अलग होकर के अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट यदि बात करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की विधानसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों को, शेड्यूल ट्राइब के लिए, हाउ मेनी सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब के लिए मध्य प्रदेश की कितनी विधानसभा की कितनी सीटें जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। तो विधानसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं, 47 सीटें, ध्यान रखिएगा 47 सीटें एसटी के लिए और 35 सीटें एससी के लिए। एसटी की पॉपुलेशन एसटी की अपेक्षा मध्य प्रदेश में कम है, तो इसीलिए जो है चूंकि पॉपुलेशन का जो रिजर्वेशन होता है सीटों का आरक्षण, वो जनसंख्या के अनुपात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल जिला बनने से पहले किस जिले का भाग था, भोपाल जिला बनने से पहले किस जिले का भाग था आपको बताना है। एक इसी प्रकार का क्वेश्चन आप देखिएगा दोस्तों अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर, जो मेरी कम्युनिटी है नीरज पांडे के नाम से, वहां पर इसी प्रकार का क्वेश्चन मैंने पूछा था, कई लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है। क्वेश्चन ये था कि भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया, तो ये तो एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को कब बनाया गया। तो ध्यान रखना है कि भोपाल एक्चुअल में भोपाल राजधानी तो 1900 मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को,
1 नवंबर 1956 को तब भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बन गया था, लेकिन जिला नहीं था, डिस्ट्रिक्ट नहीं था। डिस्ट्रिक्ट कब बनाया गया? डिस्ट्रिक्ट बनाया गया 1972 में, 26 नवंबर 1972 में ये डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। ये पहले एक सीहोर की तहसील हुआ करता था। सो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में डिफरेंस है। जिला नहीं था, इसके बाद भी राजधानी थी, ये ध्यान रखना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिला होना ही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत भूभाग छत्तीसगढ़ में चला गया? हाउ मच परसेंटेज ऑफ लैंड ऑफ मध्य प्रदेश वेंट टू छत्तीसगढ़? हाउ मच परसेंटेज ऑफ लैंड ऑफ मध्य प्रदेश वेंट टू छत्तीसगढ़? जल्दी से बताना है। आंसर होगा इसका, मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत भूभाग छत्तीसगढ़ में चला गया? आंसर होगा इसका 30.48%। लगभग एक तिहाई जो है वो पोर्शन चला गया कहां पर? छत्तीसगढ़ में। जब 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। इसके अलावा अभी यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश का भूभाग है, तो 9.38% आएगा, अबाउट 1/10। ध्यान रखिएगा, भारत में दूसरा स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस गुटमार पेयर इज ऑर्गेनाइज इन विच रिवर? जो मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध मेला है, गुटमार मेला जिसे कहा जाता है, ये किस नदी पर होता है? क्योंकि गुटमार मेला का जो आयोजन किया जाता है उसके बीच में एक नदी होती है, नदी के बीच में ही झंडा जो है गाड़ा जाता है। और यहाँ पर जो है दो गांव के लोग जो है दोनों साइड से मीन्स गुटमार कहा ही जाता है, यानी कि पत्थर मारते इस झंडा को जो भी निकालता है, दोनों प्रयास करते हैं जीतने का। तो ये जो है जाम नदी है, कहां पर? जाम नदी। और जाम नदी ये कहां पर है? ये जो मेला आयोजित होता है ये छिंदवाड़ा में आयोजित होता है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध मेला है। और ये आंसर होगा इसका बी, दैट इज जाम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज मोहम्मद बिन तुगलक मेंशन्ड? जल्दी से बताना है, मध्य प्रदेश के किस जिले के में शिलालेख में मोहम्मद बिन तुगलक का उल्लेख है? मोहम्मद बिन तुगलक ही नहीं बल्कि गयासुद्दीन तुगलक का भी इंक्रिप्शन प्राप्त होता है। ये जो है मध्य प्रदेश का दमोह जिले में, दमोह जिले का बटियागढ़, ध्यान रखना है ये दमोह जिले में है। यहाँ के शिलालेख में, यहाँ पे दोनों के शिलालेख, एक महल का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक का है और इसके अलावा बटियागढ़ शिलालेख, ये आपका कहां पर है? ये आपका दमोह में है और दोनों के यहां पर उल्लेख, दोनों के उल्लेख प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से मध्य प्रदेश की कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, कहां पर? लोकसभा में। लोकसभा में जो रिजर्वेशन है मध्य प्रदेश का, उसमें एसटी के लिए 6 सीटें रिजर्व हैं, एसटी के लिए 4 सीटें रिजर्व हैं और टोटल 10 सीटें जो है लोकसभा में मध्य प्रदेश से रिजर्व है। उसमें से 4 सीटों में से एक सीट आपकी यहां पर कौन सी है? टीकमगढ़। याद रखिएगा, एक सीट कौन सी है यहां पर? टीकमगढ़। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, सिंगरौली में अवस्थित गुफाएं, इनमें से कौन सी गुफाएं हैं जो सिंगरौली में अवस्थित हैं? दोस्तों ध्यान रखना है कि ये सेशन तो डेली 11 बजे से रहता ही है, शाम को 5 बजे से जीके का एमसीक्यू सेशन भी रहेगा, इसी यूट्यूब के चैनल पर, सभी लोग ज्वाइन करेंगे। सिंगरौली में अवस्थित गुफाएं यहां पर कौन सी हैं? मारा की गुफाएं। ध्यान रखिएगा, सिंगरौली में अवस्थित गुफाएं कौन सी हैं यहां पर? मारा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, सच गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हु आज अवार्डेड एज पद्म विभूषण, एक्चुअल में
पद्म विभूषण एक्चुअल में भारत सरकार का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण आता है, इसके बाद पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इसमें से जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे कौन से, हर विनायक पाटेसकर, हर विनायक पाटेसकर को, एचवी पाटेसकर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं जांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पठार को विंद का पठारी प्रदेश भी कहते हैं, निम्न में से किस पठार को विंध्य का पठारी प्रदेश भी कहते हैं, दैट इज प्लेटू रीजन ऑफ विंध्या। इनमें से कौन सा पठार है जिसको विंध्य का पठारी प्रदेश भी कहा जाता है, प्लेटू रीजन कहा जाता है विंध्य का। आंसर जो होगा इसका आंसर होगा रीवा पन्ना प्लेटू को विंध्य का पठारी प्रदेश भी कहा जाता है, रीवा पन्ना प्लेटू को विंध्य का पठारी प्रदेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोजगार निर्माण की शुरुआत कब हुई, व्हेन द रोजगार निर्माण, ये वीकली आता है आप सभी को पता होगा, इसमें करंट अफेयर्स भी आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं, आप लोग भी शायद इसका यूज करते होंगे, पढ़ते होंगे। तो इसमें से आपको बताना है मध्य प्रदेश माध्यम के द्वारा संचालित किया जाने वाला ये रोजगार निर्माण, इसकी शुरुआत कब हुई थी। आंसर होगा इसका रोजगार निर्माण की शुरुआत कब हुई थी, 1984 में, यानी कि 1984 में, 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की विधानसभा में विरोधी दल को मान्यता कब प्राप्त हुई, मध्य प्रदेश की विधानसभा में विरोधी दल को मान्यता कब प्राप्त हुई बताना है इनमें से। आंसर होगा इसका विरोधी दल को मान्यता कब प्राप्त हुई, तृतीय विधानसभा में। पहली दो विधानसभाओं में जो विपक्ष के नेता थे, ये विपक्ष के नेता एक्चुअल में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता थे, और इसीलिए जो है इन्हें विपक्षी नेता कहा जाता है, बट रिकॉग्नाइज नहीं थे, रिकॉग्नाइज्ड तामस्कर सॉरी सकलेचा जी के समय से हुआ, और ये यानी कि तृतीय विधानसभा से, तो ये ध्यान रखिएगा, थर्ड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्यप्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बत्तो बाई किस शिल्प की प्रसिद्ध कलाकार मानी जाती है, द फेमस पर्सनालिटी, फेमस आर्टिस्ट बत्तो बाई इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग क्राफ्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर्ट, क्ले क्राफ्ट, वुडन क्राफ्ट, डॉल क्राफ्ट, छिपा क्राफ्ट। श्रीमती बत्तोबाई प्रसिद्ध कलाकार हैं कि इस किसी एक के इनमें से। आंसर जो होगा इसका गुड़िया शिल्प की प्रसिद्ध कलाकार मानी जाती हैं बत्तोबाई, ध्यान रखिएगा गुड़िया शिल्प की प्रसिद्ध कलाकार मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो किस जिले में अवस्थित है, पन्ना में, टीकमगढ़ में, छतरपुर में, या इनमें से कोई नहीं। खजुराहो किस जिले में अवस्थित है, खजुराहो किस जिले में अवस्थित है, खजुराहो लोकसभा सीट तो है मध्य प्रदेश में लेकिन जिला नहीं है। और आपको बता दूं एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है ही, चंदेल वंश का प्रमुख रूप से यहां पर स्थापित हमें ग्रुप ऑफ टेंपल्स मॉन्यूमेंट देखने को मिलता है, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया है, और ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का पार्ट है, ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमाड़ उत्सव का आयोजन कहां पर होता है। वैसे इसमें यदि आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे इस क्वेश्चन में कि निमाड़ का क्षेत्र का कौन सा स्थान है, क्योंकि इनमें से मात्र एक स्थान ऐसा है जो निमाड़ अंचल का है प्रमुख रूप से, तो इसमें से आपको बताना है निमाड़ उत्सव का आयोजन कहां पर होता है। निमाड़ उत्सव का आयोजन कहां पर होता है, आंसर होगा इसका महेश्वर। महेश्वर कहां पर है, महेश्वर खरगोन में है, याद रखिएगा महेश्वर कहां पर है, महेश्वर खरगोन में है। खरगोन को वेस्ट निमाड़ डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, खरगोन को क्या कहा जाता है, वेस्ट निमाड़ डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, यानी कि पश्चिमी निमाड़ जिला भी कहा जाता है। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन 17वीं लोकसभा में मध्य प्रदेश से सांसद नहीं है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 17th लोकसभा। इनमें से कौन 17वीं लोकसभा में मध्य प्रदेश से सांसद नहीं है बताना है, 17th लोकसभा में मध्य प्रदेश से सांसद नहीं है। गणेश सिंह, वीरेंद्र कुमार, रीति पाठक या ज्योतिरादित्य सिंधिया। देखिए गणेश सिंह लोकसभा सतना लोकसभा सीट को रिप्रेजेंट करते हैं, वीरेंद्र कुमार जो अभी वर्तमान में मंत्री भी हैं, ये टीकमगढ़ लोकसभा सीट को रिप्रेजेंट करते हैं, रीति पाठक
ये सीधी लोकसभा सीट को रिप्रेजेंट करती हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये गुना लोकसभा संसदीय सीट से चुनाव हार गए और इसके बाद राज्यसभा के सांसद बने, तो ये लोकसभा से सांसद नहीं है। आंसर होगा इसका क्या, डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1100 पुरातात्विक स्थल किस जिले में है, प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिकल साइट है, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है मध्य प्रदेश का, ये बताना है किस जिले में अवस्थित है ग्यारसपुर। ग्यारसपुर पुरातात्विक स्थल किस जिले में है, याद रखना है ग्यारसपुर पुरातात्विक स्थल कहां पर है, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में। ग्यारसपुर पुरातात्विक स्थल कहां पर है, वेश नगर भी यहीं पर है, उदयगिरी की गुफाएं भी यहीं पर है, अठखंबा मंदिर भी यहीं पर है, तो प्रसिद्ध स्थल है ये, हेलियोडोरस का प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ यहीं पर है, तो ये आपका प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिकल साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेंज अमंग द फॉलोइंग इज जॉइंग द अर्नब इन द वेस्ट, यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन सी श्रृंखला है जो पश्चिम में अरावली से मिलती है, यानी कि ज्वाइन द अरावली इन द वेस्ट, पश्चिम में अरावली श्रृंखला से मिलती है। जल्दी से बताना है आंसर जो होगा इसका, आंसर होगा इसका विंध्यन रेंज, याद रखिएगा आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका विंध्यन रेंज, ये पश्चिम में अरावली भांडीर इसी का एक्सटेंशन पोर्शन है, यदि आप देखें तो इस रूप में आप इसको विंध्य कह सकते हैं जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में है, इसके बाद यहाँ पर आपका भांडीर है और इसके बाद जो है कैमूर रेंज है, इसके बाद कैमूर रेंज है, ये जो है महादेव आपका किसका है, महादेव सतपुड़ा श्रेणी का पार्ट है, तो ये आपका आंसर जो होगा इसका पश्चिम में, या ये अरावली है तो अरावली में मध्य प्रदेश के पश्चिमी में विंध्य श्रेणी से अरावली रेंज मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र स्थगित करने की शक्ति किसके पास है, मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र स्थगित करने की शक्ति किसके पास है, एडजमेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश, एडजमेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश, एडजमेंट की बात करें, देखिए तीन चीजें आपको याद रखना है, एक तो तीन चार चीजें मैं आपको बता देता हूं, एक तो सेशन को सत्र को बुलाना, सत्र को जो बुलाने की जिम्मेदारी है, सत्र को बुलाने की जिम्मेदारी, तो सत्र को बुलाने की जिम्मेदारी राज्यपाल की होती है, किसकी, राज्यपाल को यह कर्तव्य दिया गया है। इसके अलावा सदन की बैठक शुरू हो गई तो सदन की बैठक को जैसे बीच में मैं क्लास में ब्रेक देता हूं वो क्या कहलाता है, स्थगन, तो स्थगन की जो जिम्मेदारी होती है, यहीं पर यही प्रश्न पूछा गया है, स्थगित करने की जिम्मेदारी ये विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा तीसरी चीज आपको याद रखना है कि सत्र का अवसान करना, सत्र को समाप्त करना, तो यानी इसको क्या कहा जाता है, प्रोरोगेशन, सत्रावसान, और सत्रावसान की जो जिम्मेदारी होती है, सत्रावसान की जो जिम्मेदारी होती है वो राज्यपाल की होती है, किसकी, राज्यपाल की। इसके अलावा पूरी विधानसभा को भंग करना, विघटन करना, डिजोल्व करना, विघटित करना, ये विघटन की जो जिम्मेदारी होती है राज्यपाल की। तो यदि चार चीजें यदि आप देखें, चार चीजें यहां पर आप देखें, बुलाना सत्र को, सत्र को बुलाना, टू कॉल द सेशन, टू एडजर्न द सेशन, टू प्रोरोग द सेशन एंड टू डिजोल्व द सेशन, डिजोल्व द हाउस, तो यहां पर चार में से एक में सिर्फ अध्यक्ष है, लोग विधानसभा का स्पीकर है, तो आंसर जो होगा इसका ये ध्यान रखना है कि बाकी में सभी में आपको गवर्नर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट पीक ऑफ विच रीजन इज ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश, निम्नलिखित में से आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, देखिए मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सतपुड़ा रेंज में महादेव पर्वत में धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंची चोटी है, तो यहां पर यदि आप देखें तो यानी कि ये जो सतपुड़ा मैकार रेंज है, सतपुड़ा मैकार रेंज में महादेव है
महादेव पर्वत है और इस महादेव पर्वत में ही धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। और ये धूपगढ़ की जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर है, यही जो है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, बी दैट इज सतपुड़ा में कालपिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उस्ताद आमिर खान वाज रिलेटेड टू, उस्ताद आमिर खान वाज रिलेटेड टू, उस्ताद आमिर खान कहां से संबंधित थे? तो उस्ताद आमिर खान ध्यान रखना है आपको कहां से संबंधित थे, उस्ताद आमिर खान आंसर होगा इसका डी, मंद मंद ख्याल गायकी के जनक थे, इन्होंने ही इंदौर घराने की शुरुआत की थी। ध्यान रखिएगा इन्होंने ही इंदौर घराने की शुरुआत की थी, मंद मंद ख्याल गायकी के जनक माने जाते हैं। एक गायकी का एक स्टाइल ये है मंद मंद ख्याल गायकी, ख्याल सिंगर थे ये, तो ध्यान रखना है आपको इंदौर घराने की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान, द प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान बताना है, तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। ध्यान रखना है सबसे ज्यादा जनजाति आबादी यदि किसी राज्य में पाई जाती है तो वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भवन कहां पर अवस्थित है, भारत भवन आपको बताना है कहां पर अवस्थित है, आर्ट का एक प्रमुख केंद्र ये कहां पर अवस्थित है, प्रमुख स्थापत्य भी माना जाता है मध्य प्रदेश का, तो भारत भवन अवस्थित है कहां पर, ध्यान रखना है आप सभी को भारत भवन अवस्थित है भोपाल में, 1900 कहां पर, भोपाल में, ये याद रखना है आप सभी को, यानी कि यहां पर चार्ल्स कोरिया ने इसको डिजाइन किया था, ये ध्यान रखना है भोपाल अवस्थित है मध्य प्रदेश की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाक्षण माइन इज लोकेटेड इन, बालाघाट जिला है मैंने बताई दिया आपको, बालाघाट जिले में दो प्रमुख माइंस, हालांकि काफी माइंस है लेकिन दो काफी मिनरल प्रसिद्ध है वहां पर माइंस, एक भरवेली और एक दूसरा आपका मलाजखंड कॉपर की माइन, तो ये आंसर होगा इसका मलाजखंड कहां पर अवस्थित है, बालाघाट जिले में, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया, मध्य प्रदेश राज्य वृक्ष, स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल, मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर, मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर कब 25वां स्थापना दिवस, 1 नवंबर 1981 ध्यान रखना है, 1 नवंबर 1981 को, 1 नवंबर 1981 को ये जो है राज्य वृक्ष डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल आंदोलन किस जिले में हुआ, द राइस मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट, फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट, चावल आंदोलन जबरिया लेवी भी जिसे कहा जाता है, इस आंदोलन को जबरिया लेवी आंदोलन, और जबरन जबरिया लेवी का मतलब जबरन जबरदस्ती, और जबरदस्ती उगाही करना, और ये जो है 1947 में 1947 का है, 1947 का, इसको जबरिया लेवी सत्याग्रह भी कहा जाता है, और ये आंसर होगा इसका क्या, रीवा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ओरछा राज्य की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी, तो विच डायनेस्टी रूलर एस्टेब्लिश द ओरछा, ओरछा राज्य की स्थापना किस वंश के शासकों ने की, आंसर होगा इसका ओरछा की स्थापना किसने की थी, बुंदेला वंश के शासकों ने, आंसर होगा इसका बी, यानी कि बुंदेल वंश के शासकों ने ओरछा की स्थापना की, ओरछा कहां पर है, मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों की सीमा को छूता है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश टचिंग द बाउंड्री ऑफ छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र बॉर्डर, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों को टच करता है, यानी कि कह सकते हैं आपको दक्षिणी और पूर्वी जिले में, पूर्वी पार्ट है ये मध्य प्रदेश का, और यहीं पर सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन भी होता है, बघेलखंड का पठार आप सभी को पता है, लाल पीली मिट्टी, आंसर होगा इसका क्या, बालाघाट, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों को टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आलाखंड में कितने युद्धों का वर्णन किया गया है, आलाखंड में कितने युद्धों का वर्णन किया गया है, आलाखंड किसकी रचना है,
जगन्नाथ की एक्चुअल में परिमल राजाओं के दरबारी कवि थे, परिमल के देव के दरबारी कवि थे, और उन्होंने जगन्नाथ और जगन्नाथ ने ही परिमल राजाओं की रचना की। उसी में एक खंड है आला खंड, जिसमें दो भाइयों आला और उदल की शौर्य गाथा वेलोर का वर्णन किया गया है, वीर गाथा का, और उनमें बामन युद्धों का, उनकी बामन लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुराली क्षेत्र किस जिले में है? कुराली क्षेत्र ये कोल जनजाति का मूल निवास माना जाता है, कोल जनजाति का मूल निवास क्षेत्र माना जाता है, और ये आपका कहां पर? रीवा में। आंसर होगा इसका रीवा। छिगुर्दा माइन किस पर्टिकुलर खनिज से संबंधित है? छिगुर्दा माइन खान किस पर्टिकुलर माइन से संबंधित है? छिगुर्दा कोयले की प्रसिद्ध खदान है। आंसर होगा इसका छिगुर्दा कोयले की प्रसिद्ध खदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद बाघों की भूमि किस जिले को कहा जाता है? सफेद बाघों की भूमि, व्हाइट टाइगर, लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर्स। आंसर होगा इसका लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर्स रीवा को कहा जाता है। आंसर होगा इसका रीवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, हर बोले का संबंध किस क्षेत्र से? हर बोले का संबंध किस क्षेत्र से आपको बताना है? हर बोले का संबंध, आंसर जो होगा इसका, हर बोले का संबंध बघेलखंड से। बघेलखंड याद रखना है आप सभी को, हर बोले का संबंध कहां से? बघेलखंड से। एक्चुअल में बसदेवा गायन में हर बोले की टेक ली जाती है, बसदेवा गायन में हर बोले की टेक ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय पृथ्वीराज चौहान? इनमें से किस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के द्वारा करवाया गया था? इनमें से किस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के द्वारा करवाया गया था? आंसर होगा इसका वनखांडेश्वर मंदिर। वनखांडेश्वर मंदिर कहां पर है? भिंड जिले में। वनखांडेश्वर मंदिर कहां पर है? भिंड जिले में। और इसका निर्माण जो है किसके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान पर नहीं, राजस्थान की सीमा पर नहीं है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज नॉट ऑन द बॉर्डर ऑफ राजस्थान? इनमें से आपको बताना है, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान की सीमा पर नहीं है? आंसर जो देखिए, गुना, नीमच, मंदसौर। आंसर होगा इसका सी। ये किससे? गुजरात से टच करता है। ये किससे? गुजरात से टच करता है, याद रखिएगा, ये गुजरात से टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को अम्बेक के नाम से जाना जाता है? प्रसिद्ध साहित्यकार है ये प्राचीन कालीन साहित्यकार मध्य प्रदेश के, इनमें से किसी एक साहित्यकार को किस नाम से जाना जाता है? अम्बेक के नाम से जाना जाता है। और आंसर जो होगा इसका, भवभूति को अम्बेक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहली बार कंघी का इस्तेमाल किस जनजाति ने कहा किया था? कहा जाता है कि कंघी को के आविष्कारक के इन्वेंशन जो है इसी जनजाति ने किया था, पहली बार प्रयोग किया गया था कंघी का इस जनजाति के द्वारा। और ये आंसर जो होगा इसका, आंसर होगा इसका बंजारा जनजाति। क्या है? आंसर होगा इसका बंजारा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सूरजबाई खांडे किस गायन की प्रसिद्ध गायिका? सूरजबाई खांडे इज द फेमस सिंगर ऑफ मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध फोक सॉन्ग है और उसकी प्रसिद्ध गायक मानी जाती है। और इनमें से कौन सी गायक, किस पर्टिकुलर गायन की? आंसर होगा इसका मालवा अंचल का प्रसिद्ध गायन है, जिसे क्या कहा जाता है? भरतरी गायन। तो दोस्तों आज के लिए इस सेशन में इतना ही, जनजाति प्लस एमसीक्यू हमने डिस्कस किया, और ये सेशन डेली 11 बजे से रहेगा अलग अलग टॉपिक्स के साथ, प्लस थ्योरी और प्लस एमसीक्यू। तो ये आप लोग डेली 11 बजे से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री क्लासेस भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर। और फ्री क्लासेस आप सभी को बता दूं, ये मेरी प्रोफाइल है नीरज पांडे के नाम से, आपके कमेंट बॉक्स के ऊपर वीडियो के जस्ट नीचे एक लिंक दी गई है, येलो कलर से लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स लिखा हुआ है, उसके बाजू में एक लिंक है, वो लिंक मेरी प्रोफाइल की है, आप उस पर क्लिक कीजिए अभी और पहुंचे मेरी प्रोफाइल पर, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर। एक स्ट्रक्चर में आपकी संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित होगी।
तो ये आप जाकर के एक बार फॉलो कर लीजिए, फॉलो कर लेंगे तो इस प्रकार से आपको फॉलोइंग दिखाएगा। साथ ही साथ एक यहाँ पर एजुकेटर कम्युनिटी का ऑप्शन होगा और इस एजुकेटर कम्युनिटी पर अपडेट्स या पीडीएफ जो भी आपको मिलेगा वो यहीं पर मिलेगा। तो यदि आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो एक बार जाकर के फॉलो कर लीजिए। और आपको बता दूं लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के टेलीग्राम चैनल पर इन फ्री क्लासेस की लिंक क्लास स्टार्ट होने के 5 से 10 मिनट पहले प्राप्त हो जाएगी। ये क्लास आज नहीं है, 12 बजे वाली मध्य प्रदेश के इतिहास की क्लास, लेकिन अभी जाकर के आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, मेरी प्रोफाइल पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ प्राचीन इतिहास की क्लासेस की लिंक यहां पर प्राप्त हो जाएंगी। इसके अलावा एमपी जीके का एमसीक्यू सेशन ये भी 4 बजे से डेली रहता है, तो इसकी लिंक यदि क्लास होती है तो आपको लिंक प्राप्त हो जाएगी लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के टेलीग्राम चैनल पर। ये सेशन रहेगा रात में 8 बजे से, फुल सिलेबस टेस्ट, तो आप इसको ज्वाइन करेंगे 7:50 7:55 तक आपको लिंक प्राप्त हो जाएगी। कहां पर? अनअकैडमी की लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के टेलीग्राम चैनल पर। तो इस क्लास को जरूर ज्वाइन करेंगे। इस सेशन बिल्कुल फ्री है, डेली रहते हैं, कभी कभी बीच में गैप हो सकता है, लेकिन ये क्लास डेली रहती है, तो आप जरूर ज्वाइन करें इन सेशंस को। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी के कोर्सेस आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि अनअकैडमी के कोर्सेज के माध्यम से ये जो प्लस के कोर्सेज होते हैं आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से मिलते हैं, बहुत ही किफायती सब्सक्रिप्शन है। एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी तैयारी सुनिश्चित होती है, स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी तैयारी सुनिश्चित होती है। कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अलग अलग एजुकेटर से पढ़ सकते हैं और एक बार नहीं अनलिमिटेड एक्सेस है। ये एमपीपीएससी और व्यापम का के लिए आपको अलग अलग सब्सक्राइब नहीं करना, व्यापम का कोई भी एग्जाम हो ज्यादातर एग्जाम्स कवर अप है, और साथ ही साथ एमपीपीएससी का फॉरेस्ट सर्विस हो या मेंस हो, एमपीपीएससी का स्टेट सर्विस हो, इन सबके हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम सबके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ध्यान रखना है आप सभी को दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूं कि ये रेफरल कोड है PANDEY, इसका सब्सक्रिप्शन में अपने प्रयोग जरूर करें। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा और टाइप करके अप्लाई करना होगा। ये जो अमाउंट है ये डिस्काउंट के साथ आपको, जैसे ही रेफरल कोड का प्रयोग करेंगे आपको डिस्काउंट के साथ अमाउंट होगा, मात्र 9900 यानी कि 825 रुपए मंथली औसत के साथ। आपको साल भर का सब्सक्रिप्शन और सब कुछ एमपीपीएससी व्यापम कैटेगरी में, आपको इसके अलावा पे नहीं करना होगा। संपूर्ण तैयारी, संपूर्ण सब्जेक्ट और साथ ही साथ 14400 दो साल के लिए एक प्लस का सब्सक्रिप्शन, और सभी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं एमपीपीएससी व्यापम कैटेगरी में जितने भी पढ़ा रहे हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यदि कोई भी समस्या हो आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, तो ये कोड है आपके सामने और ये आपका नंबर है, आप अभी घुमाइए, अभी नंबर आप डायल कर लीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि एमपीपीएससी मॉक 2019 के इंटरव्यूज भी कंडक्ट कराए जा रहे हैं टॉप ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से, प्री मॉक इंटरव्यूज। साथ ही साथ दोस्तों ये एक नया ओपन हाउस का कॉन्सेप्ट आया है जिसमें आप डायरेक्टली मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये आज सेशन अभी नहीं, जस्ट 1 से 2 दिन में आपको ये सेशन मिलेगा। काफी सेशन हम लोगों ने ऑलरेडी कंडक्ट किए हैं, आप सभी को पता होगा। तो ये जो है ओपन हाउस का सेशन आप सभी के लिए फ्री रहेगा अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, तो जरूर ज्वाइन करें इन सेशंस को, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं ये क्लास हमारी डेली 11 बजे से रहती है, शाम को 5 बजे इसी यूट्यूब के चैनल पर ये क्लास रहेगी कंप्लीट जीके का एमसीक्यू सेशन, तो सभी लोग ज्वाइन करेंगे इसी यूट्यूब के चैनल पर, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के यूट्यूब के चैनल पर। तो यदि इस चैनल को यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाएंगे, और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ये बक्स बाउंटी के नाम से है। और थैंक यू सो मच, क्लास को लाइक और शेयर जरूर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और बेल आइकन को दबा करके जाएंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन डेली प्राप्त हो सके। तो ध्यान रखना है 5 बजे इसी यूट्यूब के चैनल पर आपको क्लास मिलेगी, सभी लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी को, थैंक यू।